बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। चैप्टर 5 क्लास 10 इसकी एक्सरसाइज है 5.4 और हमारे पास पहला क्वेश्चन है सेट ए में है एलिमेंट्स ए एंड बी कैपिटल यानी कि बी सेट में हमारे पास सी और डी है। सेट को कैपिटल लेटर से डिनोट किया जाता है और इसके बीच के एलिमेंट्स है वो स्मॉल लेटर से होंगे। तो आपने फाइंड करना है ए क्रॉस बी। तो जब आपने ए क्रॉस बी फाइंड करना तो पहले आपने एलिमेंट्स ए के लेने, जैसे ए लें और इनसे मिलाएं ए सी ए डी, इसके बाद बी सी और बी डी। क्लियर? इस तरह अगर आपने बी क्रॉस ए लेना हो तो पहले आप बी से एलिमेंट लेंगे यानी सी ए सी बी सी ए सी बी, इसी तरह डी ए डी बी डी ए एंड डी बी। क्लियर? ये हमारा एक क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। दूसरा क्वेश्चन है सेट ए 0 to 4, सेट बी में वैल्यू है -1 and 3 एंड यू वांट टू फाइंड द वैल्यू ऑफ ए क्रॉस बी बी क्रॉस ए क्रॉस ए एंड बी क्रॉस बी। तो यू विल फाइंड सेट स्टेप बाय स्टेप नाउ। तो पहले किसे फाइंड करते हैं? ए क्रॉस बी को। 0 -1 0 3 0 -1 0 3, आगे बोलिए 2 -1 2 3, नेक्स्ट 4 -1 और 4 3। क्लियर? जब आप बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे तो पहले किसके वैल्यू लेंगे? सेट बी के -1 0, जी आगे बोलिए -1 2 -1 4, आगे 3 0 3 2 और 3 4। क्लियर? अब आपने फाइंड करना है ए क्रॉस ए। जब आपने ए क्रॉस ए फाइंड करना है तो आपके पास एक और ए होना चाहिए। अगर आप उसी को कर ले तो ठीक है, लेकिन अगर आप दोबारा एक ए और लिख रहे तो ज्यादा बेस्ट होगा, यानी आप एक ए और लिख रहे, ठीक है? तो इससे ज्यादा आसानी हो जाएगी। अब ए क्रॉस ए क्या होगा? ए ए ए बी बी ए बी बी, या इसी में देखो ए ए ए बी बी ए बी बी, तो करवाए जरा ए ए ए बी फिर बी ए और बी बी। क्लियर? इसी तरह जब बी क्रॉस बी करेंगे तो आप बी एक और लिख ले, या इसी का इसी के साथ सी 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 डी डी सी डी डी सी सी, इसके बाद सी डी, इसके बाद डी सी, फिर इसके बाद डी डी। क्लियर? ओके, ये हमारे दो क्वेश्चन क्लियर हो गए। अब हम क्वेश्चन 3 पर आते हैं। हमने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ ए एंड बी। हमारे पास एक ये पेयर है a-4, b-2 = 2, 1। ये दोनों पेयर आपस में इक्वल है। अगर ये दोनों पेयर आपस में इक्वल है तो x की प्लेस पे जो वैल्यू a-4 है और वहां पर जो वैल्यू 2 है, ये आपस में क्या होंगे? इक्वल रख दिए जाएंगे। ठीक है, मैं थोड़ी सी स्पेस बना लेता हूं। जी देखिए, आपने ये जो a-4 है इसे इक्वल रख देना है इसके 2 के, यानी इसकी जो पहली वैल्यू कॉमे से पहले क्या लिखा हुआ है और वहां कॉमे से पहले क्या है, तो पहले वाली को पहले की इक्वल रख देंगे a-4 = 2, उसके बाद b-1 = 1। इस तरह दो पोर्शन बना लें, ये 4 वहां जाकर क्या हो जाएगा? प्लस। तो कितनी वैल्यू आ गई? 6। इस तरह ये आ जाएगा जनाब आपके पास 3। ले ये वाला क्वेश्चन देखिए, आम मैं कराता हूं। काम इस पहले क्या लिखा हुआ है? 2a + 5, वहां क्या लिखा हुआ है? 7। क्या लिखा हुआ है? इसी तरह कॉमे के बाद क्या लिखा हुआ है? 3। वहां क्या लिखा हुआ है? b-4। तो देखिए ये 7 + 5 + वहां जाकर क्या होगा? माइनस, तो 2 आया और ये 2 2 पर जाकर डिवाइड होकर क्या आ जाएगा? 1। यहां आ जाइए -4 इस साइड पर आकर क्या होगा? प्लस। तो बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 7। यहां से भी हमने ए और बी फाइंड कर। क्लियर? अब इस पे आइए, कॉमा से पहले क्या लिखा हुआ है? 3 - 2a। यहां क्या लिखा हुआ है? a-7। यहां क्या लिखा हुआ है? b-1। यहां क्या लिखा हुआ है? 2b + 5। क्लियर? तो पहले आप ए की वैल्यू एक तरफ इकट्ठी कर लें और दूसरी सेट पे, यानी ये +3 वहां जाकर क्या होगा? माइनस।
minus 2 or minus 7, that goes to minus 3a and this is minus 10. ये cancel होंगे, so 3a is equal to 10, एक value आएगी 10 by 3, clear? यहाँ आ जाइए b minus 2b is equal to 5 plus 1, ये plus 2b इस side पर आकर minus होगा left side पर, तो ये आ गया minus 3, 6. अब हम minus से multiply कर दे both sides, तो ये plus हो जाएगा, वो क्या हो जाएगा? तो यहां से भी a और b की वैल्यू फाइंड आउट होगी, क्लियर? तो वेरी सिंपल, फर्स्ट ऑफ ऑल यू विल हैव टू सी दैट व्हाट्स बिफोर द कॉमा एंड व्हाट्स आफ्टर द कॉमा. तो कॉमा से पहले वाली यानी x प्लेस वाली वैल्यू x की इक्वल होगी और y प्लेस वाली वैल्यू y की इक्वल होगी, और दोनों वैल्यू फाइंड कर लें, क्लियर? इसी एक्सरसाइज का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है बेटा? फाइंड द सेट x एंड y इफ x क्रॉस y इज इक्वल टू दिस. ये इसमें हमें क्रॉस करके उसने खुद दे दिया हुआ है, ठीक है? हमने सेट फाइंड करने जिसका क्रॉस किया गया, यानी आपने सेट a फाइंड करना है और सेट y फाइंड करना है, उनका क्रॉस हमें दिया हुआ है. तो आपसे मैंने मुहातब था पहले सवाल में कि अगर आप x क्रॉस y लेंगे या a क्रॉस b या कुछ भी, तो जो पहले वाला होगा उसका एलिमेंट पहले होगा और दूसरे वाले का एलिमेंट बाद में. इसका मतलब है ये a x से लिया गया है और दूसरा a किससे लिया गया है y से.